Assalamu alaikum guys, welcome back to my channel Exploring with Syed Hasnain Ali. आज मैं आपकी मुलाकात करवाने लेके जा रहा हूँ मोहम्मद ज़ीशान अली फ्रॉम गुजरात सिटी पंजाब. ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय ऑफ पाकिस्तान. 8 साल की उम्र से इन्होंने अपना काम स्टार्ट करा 5 रुपए से एंड ही इज़ अर्निंग अराउंड लाख रुपीस पर मंथ एंड ही इज़ अ ग्रेट एग्जांपल फॉर अस. बहुत ज़बरदस्त किस्म की पर्सनैलिटी और बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगु ज़ीशान भाई के साथ हमारी रही और माशाल्लाह से अपनी बहनों की शादी करवाई, अपना घर ख़रीदा, अपना घर बनवाया. बहुत से ऐसे काम जो आज के नौजवान नस्ल करना नहीं पसंद करते. एन एंटरप्रेन्योर ज़ीशान अली. अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग विद सैयद हसनैन अली. और आज मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद ज़ीशान अली. इनका गुजरात से ताल्लुक है, पंजाब से, और ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय. और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी मेहनत करी और बहुत अपनी फील्ड में, समझ लें जिसे कहते हैं ना, अपने आप को फील्ड में बर्बाद करना और अपने आप को कुछ बनाना, वो काम इन्होंने सर अंजाम दिए. तो हम ज़ीशान भाई से बात करते हैं कि इनका क्या प्रोफेशन है और ये किस तरीके से अपना लाइफ स्टाइल रखते हैं और किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में इन्होंने कामयाबी हासिल की. अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान भाई, कैसे हैं आप? खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह. तो ज़ीशान भाई, मुझे आप बताएं कि आपने किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में ये फील्ड जो आप, तो मैंने अभी देखा काम करते हैं, माशाल्लाह अल्लाह पाक ने आपके हाथ में बड़ी सलाहियत दी है, बड़ा हुनर दी है, तो किस तरीके से इस फील्ड में और कैसे आपने शुरुआत करा अपना प्रोफेशन? भाई ये काम मैं 6 साल के लिए करता हूँ, 7 साल काम कर रहा हूँ, तो तब से मैं काम पे जा रहा हूँ. अच्छा, ठीक है. तीन साल लगाए अच्छा काम काम सीखने के लिए. 2 साल तो मुझे किसी ने कुछ भी बताया नहीं था. किस एज में आपने शुरू करा है? जाओ 2 साल बाद जब मेरे उस्ताद थे ना, जो बड़े, उनका नाम मोहम्मद असलम है. सही. और उनका ताल्लुक मिर्जा बलादरी से. अच्छा, ठीक है. उन्होंने मुझे पूछा कि बेटा तुम टांका लगाओ. मैंने बोला उस्ताद जी मुझे कुछ पता नहीं, ठीक है. 2 साल हो गया अभी तक. उस दिन से लेके 3-4 दिन में मुझे एक राडूम का डब्बा देते थे, कोई बात नहीं. और बोलते हैं कि चलो आज तुम टांका लगाओ. पूरा दिन वेल्डिंग के ऊपर बैठ के एक ही जगह पे टांका लगाता था, गाड़ी को चलाने का ना फिकर बना. और आपकी 7-8 साल की उम्र थी उस टाइम, वेल्डिंग करने लगता था. और रात को मेरी आँखें भी जो उनसे ना ख़राब हो जाती थी, लेकिन सुबह फिर भी आना है. सही. आँखें ख़राब है, उस्ताद आए, इसने बोला क्या राजी उनसे खराब है, बोला क्या आज जरा 2 मिनट बैठ करो. सही. जो नमक है ना, हम जो अक्सर अंडे का लेट लगा कर खाते हैं, सही नमक. उन्होंने मुझे बोला सुबह नमक लेकर आओ. मैं नमक लेने चला गया, किसी तरीके किसी को बोला भाई नमक ला लो. उसने इतना सा नमक दिया, सही साल बोलता गिलास में डालो. अच्छा, बर्फ़ वाला पानी था, गर्मी का मौसम था. उन्होंने बोला इसको हलाओ. मैंने हला दिया. मैंने बोला नमक खाए, बोला मुझे नहीं चाहिए, अपने हाथ सीधे करो. हाथ ऐसे सीधे किए हैं और बोलते हैं वो मैंने 3-4 दफ़ा लगाए हैं. पहले तो बहुत गर्म है ना, नमक जा रहा है भाई, दर्द बहुत हो रहा था. तब 15 मिनट के बाद उनसे ना मुझे बहुत रेस्टिंग हो गया था. वो उन्होंने स्पेशल कराया था कि आपकी आंखों में सुकून है. सुकून है, सही. इसलिए ना वो ऐसी बात है, इतने हाई टेम्परेचर पर काम करना व्यूअर्स आसान काम नहीं होता है. और 7-8 साल की उम्र में और मैंने वो जो लगाया ना 10-15 मिनट के बाद मेरी आंखों में ये सफ़ेद नमक किसी किसी को आता है, सबको नहीं आता है. क्योंकि ये नमक होता है ना आँख में, धूल चली जाए तो लोग ऐसे ऐसे करते हैं, जलन होती है. फिर काफ़ी रहे कुछ, फिर वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता फिर 2 साल हो गया ना, थोड़ी सी अक्ल रखता होता
वो बोलेगा पीना चाहिए 12 बजे का तो खाना तो बनाओ देना असल में हर इंसान अपना फ़ायदा सोचता है दो साल हम किसी को कुछ देते नहीं अगर कोई लेना हो ना किसी को वो पहले हफ्ते में ले लेते हैं हाँ सही बात है हकीकत बात वो 500-600 बोलता है हम रखते हैं उसको खाना भी खिलाते हैं 600 या 1000 भी दे देते हैं उसको उसने क्या करना है सारा दिन कभी उसके पास बैठेगा कभी उसके पास बैठेगा वो दिन गुजर जाएगा और शाम को वो उसका 1000 रुपये खत्म हो जाएगा खाना भी खिलाएंगे फायदा होता है लेकिन थोड़ी सी ना देने के बाद 3-4 माह गुजर गए तो फिर होता है क्योंकि वो उसको थोड़ा पता चल जाता है भाई और आजकल के ज़माने में जिशान भाई जो है लोग उस्ताद ही नहीं बनाते हैं तो काम सीखने के लिए पहली बार तो नई जनरेशन में हमारी ही चीज़ आ रही है कि सब मैं ही हूँ सब मुझे आता है भाई इसकी वजह से भी नई नस्ल पीछे हो गई है हमारी इसमें इसकी एक वजह है ना जो पुराने उस्ताद हैं हमारी मैं तो उस्ताद नहीं बोलता मैं अभी भी शबीर हूँ यही सबसे बड़ा उस्ताद बनने का फॉर्मूला जो उस्ताद होते हैं बोलते हैं शागिर्द भी जो शागिर्द होता है ना वो अपनी गलती मान लेता है जो उस्ताद होगा ना चार आदमियों के बीच में अपनी गलती नहीं मानता सही सही पढ़ते वो शागिर्द अगर बोलेगा ना उस्ताद जी ऐसे नहीं ऐसे करो तो आपका काम ठीक होगा तो चार आदमी के बीच में उस्ताद पता क्या बोलेगा तुम्हें क्या पता जुम्मा 4 दिन हुए हैं काम पर आए हमने इतना अरसा गुजार दिया है और हमने इतना इतना काम किया है तुम एक दिन में एक रोशनदान बनाते हो हम एक घंटे में एक दरवाज़ा बनाते थे जो पुराना उतारा था वो ऐसे बोलेगा और जो नया होगा ना वो बोलेगा भाई चलो उस्ताद जी आपने तो एक दिए एक घंटे में एक बनाया हम एक दिन में एक बना देंगे आज का सिंगल फेज कमरा से लेना है हमने सही तो ठीक है नहीं माशाल्लाह से आप बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके और अभी तो आपने जब ये काम शुरू करा ईशान भाई उस वक्त कितनी तनख्वाह दी आपने ईशान भाई ने यानी नई यूथ जो हमारी नई नस्ल है उसके लिए पैगाम है कि जो लेम एक्सक्यूजेस देते हैं लोग के हम ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है कि आपके सामने एक मिसाल मौजूद है निशान भाई जिन्होंने 8 साल की उम्र से काम करा और 5 रुपए से इन्होंने काम शुरू किया तो ये तो आई थिंक इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग गाय कि 5 साल यानी 8 साल की उम्र में काम शुरू करना और 5 रुपए से काम शुरू करना और 18-20 साल अपने आप को फील्ड में पूरा लगा के कॉन्स्टेंटली से रखना और आज माशाल्लाह से मास्टर होने के बावजूद भी दिशा मिले के कहते हैं कि हम आज भी शागिर्द हैं और सीख रहे हैं तो ये अल्फाज होते हैं एक प्योर एंटरप्रेन्योर के एक प्योर लीडर के कि मैं आज तक सीख रहा हूँ जो मास्टर होता है ना वो अपने आप को भी मास्टर नहीं बोलता लोग उसको मास्टर बोल रहे होते हैं लेकिन वो हमेशा ये कहता है कि मैं सीख रहा हूँ तो 20 साल फील्ड में लगाने के बाद दिशान भाई के अल्फाज है कि मैं सीख रहा हूँ तो डेट इज़ द मेन थिंग कि वो आज इतने कामयाब क्यों हैं और आज दिशान भाई आपकी क्या सैलरी है माशाल्लाह से और सैलरी के बावजूद भी जरूरत से सच बात है कोई नज़र नहीं लगेगी आपको कोई बात नहीं है मुझे भाई महीने के कितने कमा लेते हैं सिस्टम से भाई प्राइवेट से भी काम कर लेते होंगे आगे पीछे तो कितना यानी भाई लोगों का अंदाज़ा होगा कि मेहनत जो होती है ना वो रायगा नहीं जाती 20 साल जो आपने लगाए हैं उसमें आपने आप आज कमा भी सही है ना घर पाल रहे होंगे बच्चे पाल रहे होंगे 10,000 चीज़ें होंगे तो व्यूअर्स को ज़रा बताएं ताकि हमारी नई जनरेशन को आइडिया हो कि एक फील्ड में अगर 20 साल लगा के मेहनत करी गई और वर्क करा गया अपने आप को किस तरीके से फिर कुंदन बनता है आदमी भाई मैंने 20 साल काम किया तो समझ लें आप जब मैं कुछ करने लगा था काम करने लगा था सबसे पहले 5 रुपये मिले मुझे महीने के 20 ठीक है आस्था आस्था 2 साल में मेरी 150 रुपये पर खाता है यानी कि महीने के 600 रुपये ठीक है कौन से ईयर की बात बता रहे हैं आप 2000 तकरीबन 300
ठीक है, उस वक्त मैं जो ये मिलते थे इन सोशल नहीं है, ये तकरीबन 2007 में यानी 600 रुपये मंथली सैलरी थी। फिर वो आस्ता आस्ता मैंने काम छोड़ा घर में, लेकिन रात को मैं कौन सा था ना, ये मजदूरी थी उस वक्त, मैंने एक डाबड़ा उठाया भाई। बड़ी बात है यार, सलूट है आपको कि मजदूरी भी करी है और इतनी मेहनत करना लाइफ में, तभी तो अल्लाह पाक उन्हीं लोगों को बड़ा आदमी बनाता है जिन्होंने हार्ड वर्किंग करने की मेहनत करने की हालत हो गई। अरे वो मजदूरी कर रहे हैं, उनकी तबीयत खराब हो गई, वो 2 साल बाद में आए, मेरा जो जीवन था आज ठीक हो जाएंगे, 1 साल में 4 साल बोला चलो अल्लाह पाक काम कर जाए। माशाल्लाह अबू की जगह मैं काम करने लगा, अबू की दिन की दिन तो ये तो दिन की मजदूरी होती थी 175 रुपये और मेरी यही थी 150। ठीक है, यानी कि इस तरह से हम अपने घर का वगैरह करते थे भाई। वो भी वक्त देखा जब दूध में घर में अपनी बच्चे डालकर देते थे, किसी को घर वाले को यह नहीं बताते कि भाई आज हमने घर में कुछ नहीं बताया, यही सही सही बात है, यही बताया कि भाई अल्लाह का शुक्र खाना पाया, सही सही बात। ठीक है, ऐसे करके वक्त नहीं जा रहा है और मजदूरी भी ठीक की है, पढ़ाई की है, आज कर रहे हैं भाई। मजदूरी करना भी आसान काम नहीं, क्योंकि भाई मजदूर जो मजदूरों के साथ रहा होगा ना, और जो ये वीडियो देख रहा होगा भी मजदूर तबका जानता होगा मजदूरी करना कितना हार्ड है। ये शहरों के ना सेठों को और बड़े बड़े लोगों को नहीं पता ही, उन्होंने कभी कुछ करा नहीं है भाई। एक तो मैं आपको सही से बात बोला, आज जो पढ़ी लिखी फैमिली है, अच्छी फैमिली, अगर वो रोजाना का हमारा बेटा पढ़ लिख गया तो वो बैंक की नौकरी करेगा, महीने को 50,000 तो लाएगा, ठीक है। और उनको लगा कि यार मुझे कोई अपना बिजनेस शुरू करो, चलो मुझे इसमें फायदा होगा भाई, वो बिल्कुल गलत गलत करते हैं। उनको पहले चाहिए कि हाथ चाहिए। ये बहुत अच्छी बात बताई दिशान भाई ने कि कोई भी बिज़नेस शुरू करने से पहले या कोई भी ना काम करने से पहले बंदा मेहनत में उतरे और मेहनत करे, फील्ड में ना अपने आप को थोड़ा सा तराशे, फिर हीरा बनता है आदमी। इंशाल्लाह ये अल्लाह का करम होता है ना, घर में माँ बाप की दुआएं हैं, सही ठीक है, भाई बहन अच्छे हैं, वो सब साथ दें तो काम चलता है, सही सही ठीक है। अगर आप 2 भाई हैं ना, या मैं 2 भाई, ठीक है, तो वो हम दोनों की आपस में बनेगी नहीं ना, तो हम कभी कामयाब नहीं होंगे, सही हकीकत बात है, ठीक है। अगर आप शुरू से हमारे माँ बाप हमको ऐसे रखेंगे ना, हम अपनी ज़िंदगी में कितने भी दिन गुजारें अल्लाह की मर्ज़ी से, एक दिन तो सबको जाना है, सही हकीकत बात है, ठीक है, तो वो अच्छे तरीके से गुजर जाते हैं। अगर सब बोलते हैं कि तरबियत का मसला होता है, ये माँ बाप की तरबियत होती है। हमारे घर में मेरी माशाल्लाह 4 सिस्टर हैं, मैं अकेला भाई हूँ, ठीक है, तो 2 सिस्टर की मैंने खुद मेहनत करके शादी कराई है। नहीं, ये बहुत ज़बरदस्त बात है निशान भाई कि आज के दौर में भी ऐसे लोग मौजूद हैं कि देखे ना, इन्होंने 8 साल की उम्र से काम करके 5 रुपये से स्टार्ट करके आज ये बंदे ने 20 साल निशान भाई ने मेहनत करके अपनी 2 सिस्टरों की शादी भी करवाई है, अपना घर का निज़ाम चला रहे हैं, घर बनाया भी है, घर भी बनाया है। बड़ी बात है निशान भाई, सलूट है आपको माशाल्लाह से, और आप मिसाल हैं हमारे पाकिस्तानी जो आवाम हमें देख रही है राइट नाउ, और भी दुनिया में बहुत से लोग देख रहे होंगे, तो उनके लिए आप मिसाल हैं कि हार्ड वर्किंग जो है ना भाई ज़ाया नहीं जाती। ये सब फालतू बातें होती हैं जो आजकल कोर्ट्स चल गए हैं कि स्मार्ट वर्किंग होती है भाई की सही है, मगर हार्ड वर्किंग एक ऐसा रूल है जो आपने अगर फॉलो करा ना तो ज़रूर ही आपको कुछ ना कुछ देखे जाएगा, मेहनत रहेगा ना कुछ अच्छे तरीके। तो इंशाल्लाह भी बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात करेंगे अगले कुछ सालों में। ईशान भाई का शौक़ है भाई, एक आपको बात बता दूँ, ईशान भाई का शौक़ है इंग्लैंड जाने का, तो आप लोग भी दुआ करें, ईशान भाई इस चक्कर में लगे हुए,
तो इनका पैशन है, क्रेज है इनको इंग्लैंड जाना, तो अल्लाह पाक इनके लिए आसानी करे और इन्होंने आपने मेहनत करी और जो स्किल्स आपके पास हैं इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप मेहनत लाएगा। तो व्यूअर्स अपना ख्याल रखिएगा, आपसे नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे एक्सप्लोरिंग विद सैयद हसनैन अली के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय।